अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में आप सबकी दुआओं के साथ। आप लोग बताइए कैसे हैं। और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ अगवानी चिकन कढ़ाई, वो भी मेरे स्टाइल में। देखिएगा और बताइएगा और बनाइएगा कि कैसी लगी आपको। बस मैंने ये 3 टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, और इसको मैंने फ्राई पैन में बॉईल करने रख दिया था, जिससे इसका छिलका बिल्कुल आसानी से उतर जाएगा। आजकल टमाटर बहुत ही कुछ अजीब से आ रहे हैं, जिसमें छिलका इतना हार्ड होता है कि वो अलग से ही पिसने के बाद भी अलग से ही नज़र आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इसी तरह से पील कर लिया जाए। फिर बस मैंने इनको इसी तरह बॉईल करके इनका छिलका रिमूव कर लिया था, और फिर इसको मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी, मतलब कि मैं पीस लूँगी। और साथ ही साथ मैंने 1/2 kg से ज़्यादा चिकन ले ली है, और चिकन को वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ अब मैं क्या करने वाली हूँ आप लोग भी देखते जाएँ। बस पतीली में मैंने ऑयल ऐड किया है, ऑयल जैसे ही गर्म होगा और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, बहुत ही यमी सी बनेगी, आप लोग भी देखते रहिए। बस इसी में ऑयल में चिकन ऐड करूँगी, क्योंकि पहले चिकन को हमें इसमें कुक करना है इतना कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। बस ऑयल मेरा जैसे ही गर्म होता है इसमें चिकन ऐड कर दी मैंने, और साथ ही साथ आप लोग देखते रहिए मेरा चिकन अगवानी कढ़ाई, वो भी मेरे स्टाइल में। हाईवे वाली मैं आपको बनाना बता रही हूँ। हाईवे पे कैसे मिलती है, जो लोग खाते हैं उनको आइडिया हो जाएगा इसकी रेसिपी से, क्योंकि जो बनाते रहते हैं उनको आइडिया हो जाता है। बस इसको मैं अच्छे से कुक करूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। बहुत कम स्पाइस डलेंगे, और लेकिन बहुत मज़ेदार बनी थी ये अगवानी कढ़ाई। चिकन अगवानी कढ़ाई बहुत मज़े की बनी थी, कम स्पाइस वाली थी, और जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कम स्पाइस और फ्लेवर चाहते हैं, वो इस कढ़ाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है, बहुत ईजी थी और बहुत मज़े की बनी थी। बस इसको मैं अच्छे से भुनाई करूँगी, भूनते भूनते मैं आपको बताती रहूँगी क्या चीज़ ऐड करनी है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, 1/2 hour में आपकी कढ़ाई बन के तैयार हो जाएगी। मैरिनेशन नहीं थी इसमें कोई भी। ये देखिए आराम से कुक हो रही है ये। अब साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है भर के। अब इसी के साथ इसको दोबारा कुक करूँगी मैं, ताकि इसमें जितनी भी इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह से इसको करते रहिए आप लोग, बहुत मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। आप लोग भी बनाएंगे, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी, और आराम से अभी इंजॉय कर सकते हो इसी रेसिपी को आप लेके। आप अभी चले मैं आपको बताती हूँ, इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon, और फिर इसे दोबारा कुक करने रख दूँगी। तो मैं आपसे ये शेयर कर रही थी कि इसी रेसिपी को आप बीफ़ के साथ भी ट्राई कर सकते हो। बीफ़ को आप बॉयल कर लीजिएगा, पूरा प्रोसीजर फिर यही कीजिएगा, तो बीफ़ में बन जाएगी अगवानी कढ़ाई, चिकन अगवानी कढ़ाई, और बहुत ही शानदार बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। ये देखिए इतनी देर मैंने इसके फ्राई किया है, भुना है, तो देखिए इसका ऑयल सेपरेट होने लग गया था, तो मतलब ये डन हो गई थी, इसकी कुकिंग टाइम डन हो गया था। उसके साथ जो मैंने टमाटर को पीस के रखा था, ब्लेंड करके रखा था, अब वो ऐड करने लगी हूँ, बल्कि कर चुकी हूँ। अब इसके साथ इसको कुक करना है आपको, इसी के पानी में ये कुक होगी। चिकन हमारी ऑलरेडी 50% कुक हो चुकी है, 50% रहती है, तो वो साथ ही साथ इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जब कुक होती रहेगी तो पूरी डनडनाडन हो जाएगी। देखिए बस इसमें कुक कर रही हूँ, और रख के मैं थोड़ा सा काम भी कर रही थी साथ साथ, तो बस इसलिए साथ साथ कुकिंग भी चलती है और साथ साथ दूसरे काम भी चलते हैं हमारे। देखिए कुक हो रही है, इसको मैं अब ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाती है। लेकिन ढकने के बाद इसकी जो कंडीशन थी वो इस तरह से आ गई थी, इतना पानी इसमें से इसका टमाटर का ड्राई हो गया था। तो मैंने इसमें हरी मिर्ची 4 से 5 अदद ली थी बड़ी वाली, और उसको मैंने बीच से कट करके इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ हरी मिर्ची ही जानी है फ्लेवर के तौर पर, और साथ जो स्पाइस जाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत कम स्पाइस जाएंगे और बहुत मज़े की बनेगी।
और झटपट बन जाती है। कोई भी आपके पास मेहमान आ जाए तो आप आराम से इसको बना सकते हो और बिना डरे आप बनाइएगा, क्योंकि बिल्कुल ये ऐसी नहीं बनी थी जो आप डरें कि पता नहीं कैसी बनेगी फ्लेवर में, क्योंकि मैंने ट्राई कर लिए थे। इसकी मेरी तरफ से आप लोग को ओके है, आप लोग बना सकते हो मज़ेदार सी पकवानी चिकन कढ़ाई, और बीफ में भी आप इसी तरह बनाएं। मैं अब आपको काली मिर्च दिखा रही हूँ, ब्लैक पेपर है, फिर टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड करेंगे, और साथ इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ, डेट सेट, और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें, सिर्फ ये दो ही स्पाइस जाएंगे और इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, गरम मसाला ऐड कर लिया, ब्लैक पेपर ऐड कर लिया मैंने, बस और कुछ भी नहीं जाना। सॉल्ट ऐड पहले हो गया था, अब इसकी अच्छी सी भुनाई होगी, जब ये अच्छा सा भुन जाएगा और सेपरेट हो जाएगा फिर इसके साथ इसमें मैं दही ऐड कर दूँगी, बस और कुछ भी नहीं जाएगा। और देखिए कितनी आसानी से और कितनी यमी यमी बनी है, देखिए और सेपरेट हो गया, इतनी अच्छी भुनाई हो गई। जब इसमें मैं दही डालूँगी 4 टेबल स्पून, बड़े वाले साइज़ बड़ा टेबल स्पून था मेरा ये, इसके साथ थोड़ा सा कुक करूँगी और फिर मज़ेदार से मेरी चिकन अफगानी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। आप लोगों से बातें करते ही करते देखिए मेरी कढ़ाई भी रेडी होने वाली है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूला करें, लाइक करना भी नहीं भूला करें, और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका वेलकम मेरे चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल पे आए हैं तो पूरा विजिट करके जाइएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं जाइएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। झटपट से मैंने चिकन कढ़ाई बना के आपको दिखा दी और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई है, आप बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी में, किसी नए ब्लॉग में आप लोग के साथ ही रहूँगी। आज तक का यहीं तक, बताइएगा कैसी लगी आपको चिकन अफगानी कढ़ाई। अल्लाह हाफिज़।